इस साल के आईपीएल में अफगानिस्तान से एक लड़का आया है, उसका नाम है राशिद खान, और क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है। मेरे हिसाब से अभी तक आईपीएल की सबसे बढ़िया स्टोरी वही है। आईपीएल हर साल किसी एक यंगस्टर की स्टोरी देता है हमें, जो आगे आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर सकती है, और इस साल राशिद खान वो स्टोरी है। जब उनको पिक किया गया था, लोग थोड़े से सरप्राइज थे, हैरान थे, लेकिन खुश थे कि अफगानिस्तान से एक लड़के को ये मौका मिला है। क्योंकि अगर आज आप अफगानिस्तान की बात करें तो खबरों में अफगानिस्तान सिर्फ इसलिए होता है कि वहाँ वॉर हो रही है, वहाँ पे किस तरीके से सब कुछ इतने सालों से बर्बादी की स्थिति में है, लेकिन एक लड़के ने क्रिकेट खेल के अपने टैलेंट के बूते पे अफगानिस्तान को खबरों में लेके आए हैं वो, लेकिन और सही वजहों से। और इसके लिए मैं हैदराबाद की टीम मैनेजमेंट वीवीएस लक्ष्मण, टॉम मूडी, उनको भी श्रेय देना चाहूँगा। उन्होंने ज़रूर अपनी रिसर्च करी होगी जब उन्होंने उनको ऑक्शन में ख़रीदा, और कम दाम में नहीं ख़रीदा, उन्होंने काफ़ी पैसे दिए उनको लेने के लिए। और आज सनराइज़र्स हैदराबाद जो दो मैच जीते हैं उसमें राशिद खान का बहुत वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन है। और कल के दूसरे गेम में देखने को मिला कि किस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स को मुंबई इंडियंस ने अपने घर में हराया। एक बहुत बड़ा टोटल चेस कर रहे थे, शुरू में उनके विकेट भी गिर गए थे, लेकिन दो यंगस्टर्स नितिश राणा और हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जिताया। यही आईपीएल के प्लेटफॉर्म की खासियत होती है कि जो यंगस्टर होते हैं उनको जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो परफॉर्म करते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत फ़ायदा होता है।